कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना का ये नया झंडा देश को समर्पित किया। पुराने झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित अष्टकोण ढाल जोड़ी गई। इस नए झंडे में एंकर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक भी है और साथ में नीचे शन नो वरुण वाक्य शामिल किया गया है, जबकि पुराने झंडे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। इसके बाद भारतीय नौसेना का ये नया झंडा सुर्खियों में आ गया। इसे लेकर कई मीडिया चैनल्स ने डिबेट किया, क्योंकि साल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय नौसेना के झंडे में बदलाव करते हुए औपनिवेशिक चिन्ह सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया था। हालांकि साल 2004 में इसे वापस झंडे में शामिल किया गया। इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा नेताओं और न्यूज चैनल्स ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस बदलाव के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। कहा गया कि कांग्रेस को औपनिवेशिक चिन्ह से लगाव था। इस मुद्दे पर बात करते हुए इंडिया टुडे न्यूज चैनल के कार्यक्रम 5 लाइव में एंकर शिव अरुण ने ये कहा। Another question that will be asked is, you know, Atal Bihari Vajpayee took the decision, Gaurav, to remove the St. George's Cross, a story that you broke in 2001 as Admiral Singh acknowledged 6 days before the, you know, it was actually unveiled to the rest of the country in the best traditions of the reporter that Gaurav is, breaking it before anybody else knew. But now people are going to ask, Gaurav, why did the UPA government bring back something like the St. George's Cross? ये शो 30 अगस्त को प्रसारित हुआ था। वहीं इसके दूसरे ही दिन इंडिया टुडे के एंकर शिव अरुण ने न्यूज मो में यही दावा किया। इंडिया टुडे ग्रुप की हिंदी न्यूज चैनल आज तक ने भी ब्लैक एंड व्हाइट शो में ऐसा ही दावा किया था। देखिए आज तक के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर सुधीर चौधरी क्या कहते हैं। वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने नौसेना के ध्वज से उस सेंट जॉर्जेस क्रॉस को पूरी तरह से हटा दिया। उसकी जगह नौसेना का नीले रंग का एक नेवल क्रेस्ट रखा गया, जिसमें एक एंकर था और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान था। लेकिन वर्ष 2004 में जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना का निशान फिर से बदल दिया गया। भारतीय नौसेना के निशान पर फिर से सेंट जॉर्जेस क्रॉस की वापसी हो गई, लेकिन इस बार फर्क यह था कि बीच में अशोक स्तंभ भी लगा दिया गया। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा। हटा दिया गया था, आलोक शर्मा जी ये बात तो सही है ना, 2001 से लेकर 2004 तक ये जो बदलाव किए गए थे, 2004 में सरकार बदलने के बाद फिर उसको लागू कर दिया जाता है, जॉर्ज क्रॉस फिर लेकर आया जाता है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कितना प्रेम किसको था उससे और अशोक चिन्ह को हटा दिया जाता है। वहीं इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने इस मामले में पीछे न रहते हुए शो के दौरान ये कहा। आज नेवी का निशान भी कॉलोनियल एरा की निशानी से मुक्त हो गया। गुलामी की जो निशानी अब तक हमारी नेवी के झंडे पर थी वो आज खत्म हो गई। असल में 1947 से लेकर 2014 तक नेवी के निशान में अंग्रेजों के शासन की झलक दिखती थी। लाल रंग का सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान हमारी नेवी के झंडे पर था, लेकिन आज से ये नहीं रहेगा। हालांकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 साल के लिए अंग्रेजों की निशानियों को हटा दिया था, लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और इस निशान को फिर से वापस ले आई। 2 सितंबर को भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए ऐसा ही दावा किया। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने इस मुद्दे पर तफ्तीश की तो पाया कि मीडिया चैनल्स और भाजपा नेताओं का दावा पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इन दावों की सच्चाई दिखाएंगे। साल 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान किए गए बदलाव के बारे में पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर एडवांस सर्च किया। हमने डेट फिल्टर और वेबसाइट फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए सर्च किया। हमें भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर साल 2001 के आर्काइव्स मिले।
8 अगस्त 2001 की इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 15 अगस्त 2001 को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज में बदलाव कर उसमें से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाया जाएगा। आगे जांच जारी रखते हुए ऑल्ट न्यूज ने लोकसभा की वेबसाइट चेक की। वहां हमें साजापुर से तत्कालीन लोकसभा सांसद थावर चंद गहलोत का रक्षा मंत्रालय से किया गया ये सवाल मिला। इस सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 21 मार्च 2002 को कहा था कि सभी भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियां और तट प्रतिष्ठान पर इंडियन नेवी का नया झंडा है जिसे 15 अगस्त 2001 से जारी किया गया था। अब बात करते हैं साल 2004 में भारतीय नौसेना के झंडे में किए गए बदलावों की। गूगल पर एक और बार डेट फिल्टर के साथ कीवर्ड सर्च करने पर हमें 24 अप्रैल 2004 का रेडिफ का ये आर्टिकल मिला। इसके मुताबिक भारतीय नौसेना की शिकायत की वजह से झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस वापस लाया गया था, क्योंकि इंडियन नेवी का कहना था कि समुद्र का रंग नीला होता है और इस वजह से झंडा दूर से दिखाई नहीं देता। ये बदलाव 25 अप्रैल 2004 को किया गया था। इस तारीख पर ध्यान दें क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 25 अप्रैल 2004 में भारतीय नौसेना के झंडे में हुए बदलाव की पुष्टि द हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इन रिपोर्ट्स में की गई है। राज्यसभा की वेबसाइट खंगालने पर हमें तत्कालीन राज्यसभा सांसद एकनाथ के ठाकुर का ये प्रश्न मिला। उन्होंने पूछा था कि क्या भारतीय नौसेना झंडे में बदलाव चाहती है। इसका जवाब तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 14 जुलाई 2004 को दिया था। उन्होंने कहा था कि पुराने झंडे में नीला और सफेद रंग था और ये समुद्र में दूर से दिखाई नहीं देता था। इस वजह से 25 अप्रैल 2004 को इंडियन नेवी का ये नया झंडा लॉन्च किया गया था। व्यूअर्स गौर करें कि इंडियन नेवी के झंडे में साल 2001 और साल 2004 में जो बदलाव हुए वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ही हुए थे, लेकिन मीडिया चैनल से भारतीय नौसेना के झंडे में हुए बदलाव की तह तक जाने के बजाय लाइव शो में ये झूठा दावा किया कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नौसेना के ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया था, लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे वापस झंडे में शामिल कर दिया। दिलचस्प बात तो ये है कि 5 सितंबर को आज तक की फैक्ट चेकिंग विंग ने भाजपा नेताओं के भारतीय नौसेना के झंडे को लेकर किए गए दावे का फैक्ट चेक किया था, लेकिन इस फैक्ट चेक आर्टिकल में उन्होंने कहीं भी अपनी ही चैनल के एंकर्स द्वारा टीवी पर चलाए गए झूठे दावे के बारे में जिक्र तक नहीं किया। मानो उन्होंने खुद ही झूठी खबर चलाई और बाद में उसके बारे में फैक्ट चेक भी कर दिया।